आज के बॉलीवुड काउंटडाउन में बात करेंगे कि किस तरीके से सलमान खान की सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है और कब होने वाली है सनी देओल की मूवी रिलीज। साथ ही दीपिका को बीट करके कौन बनी मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन और क्या कहा रणबीर कपूर ने अपनी बहन रिधिमा कपूर के बारे में। नमस्कार, मैं हूं भाविका और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। काउंटडाउन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। दो पत्ती के अपकमिंग सॉन्ग का टीजर हुआ रिलीज। कीर्ति सेनन अपनी अपकमिंग मूवी दो पत्ती के साथ एज अ प्रोड्यूसर डेब्यू करने वाली है। वही इस मूवी का नया सॉन्ग रिलीज होने वाला है जिसका टीजर कीर्ति सेनन ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। साथ ही कैप्शन में लिखा है, फील द मैजिक ऑफ अक्षय देकोल इन द सोलफुल वॉइस ऑफ शिल्पा राव। दो पत्ती रिलीजिंग ऑन 25th अक्टूबर ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। ये मूवी का सेकेंड सॉन्ग होने वाला है, इससे पहले फोर्थ सॉन्ग था रांझन। श्रुति हसन अपने पार्टनर के बारे में क्या चाहती है। एक चैट शो में श्रुति बताती है कि कुछ मेंस है जो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हर डेट पर मैं ही पे करूं क्योंकि मैं बहुत अमीर हूं और मेरे पास बहुत पैसा है। ओके, मुझे पे करना काफी अच्छा लगता है, मेरी लव लैंग्वेज है, लेकिन 3 महीने बाद अगर हम 9 बार खाने गए हैं तो हमेशा मैं ही पे करूं ये सही नहीं। और जब मैं सामने वाले से पूछती हूँ कि तुम पे क्यों नहीं कर रहे तो वो कहता है कि तुम्हारे पास तो बहुत पैसा और आई थिंक कि तुम्हें पे करना अच्छा लगता है। जिसके जवाब में मैं उनसे कहती हूँ कि ऐसा नहीं है, आई बिलीव इन स्प्लिट। वही आगे बताते हुए कहती है कि मेरे पार्टनर में सबसे अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए जिसे फन करना बहुत पसंद हो। राधिका के बर्थडे बैश में किस सेलिब्रिटी ने क्या पहना था। रिसेंटली राधिका के बर्थडे बैश में कई सारे सेलिब्रिटीज पहुंचे जिनके आउटफिट्स के बारे में हम आपको बताते हैं। हमारी बर्थडे गर्ल यानी राधिका मर्चेंट ने अपने बर्थडे वाले दिन रेड एंड व्हाइट कलर की स्टनिंग ड्रेस पहनी थी। वही रणवीर सिंह ने क्लासिक व्हाइट शर्ट एंड ग्लासेस पहने थे। साथ ही अनन्या पांडे ने ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आ रही थी। और बात करें सुहाना खान की तो वो पोल्का डॉट ड्रेस में नजर आ रही थी। जानवी कपूर मेटलिक ड्रेस और स्मोकी आईज में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वही MS धोनी ने क्लासिक कूल ग्रीन कलर की हाफ शर्ट पहनी थी। कौन कौन पहुंचा राधिका के बर्थडे बैश में। 16 अक्टूबर को राधिका मर्चेंट ने शादी के बाद अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया जिसकी फोटोज एंड वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। बर्थडे बैश में कई सारे सेलिब्रिटीज नजर आ रहे हैं जैसे सुहाना खान, रणवीर सिंह, खुशी कपूर, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, महेंद्र सिंह धोनी एंड आर्यन खान। वही ऑरी ने भी बर्थडे पार्टी की काफी सारी पिक्चर्स एंड वीडियो शेयर की है जो फैंस को काफी पसंद आ रही है। बनने वाली है लॉरेंस बिश्नोई की लाइफ के ऊपर वेब सीरीज। नोएडा बेस्ड प्रोड्यूसर अमित जानी ने अनाउंस किया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई की लाइफ के ऊपर वेब सीरीज बनाने वाले हैं जिसका टाइटल रखा गया है गैंगस्टर स्टोरी। बताया जा रहा है कि कास्ट दिवाली के बाद ही अनाउंस किए जाएंगे। वहीं लॉरेंस बिश्नोई का नाम बाबू सिद्दीकी के मर्डर केस से भी जोड़ा गया है। साथ ही सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से काफी ज्यादा डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से सलमान खान की सिक्योरिटी को भी टाइटन कर दिया गया है। सलमान खान रिसेंटली बिग बॉस 18 को होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सी मूवी री रिलीज होगी नवंबर में। नवंबर में होने वाली ये कई सारी मूवीज एक साथ री रिलीज। हम आपको बताते हैं कौन कौन सी मूवी हो रही है दोबारा से रिलीज। बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट्स की माने तो 1998 की बॉबी देओल की मूवी सोल्जर एक बार फिर से सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। वहीं बात करें 1999 की अजय देवगन एंड सैफ अली खान की मूवी कच्चे धागे हमें सिनेमाघरों में एक बार फिर से देखने के लिए मिलेगी। वहीं सलमान खान एंड ट्विंकल खन्ना की मूवी जब प्यार किसी से होता है, 2002 की दिनो मोरिया एंड बिपाशा बासु की मूवी राज, साथ 2008 की मूवी अजब प्रेम की गजब कहानी जिसमें नजर आ रहे हैं रणबीर कपूर एंड कैटरीना। क्या कहा रणबीर कपूर ने अपनी बहन रिधिमा कपूर के बारे में। रिसेंटली रिधिमा कपूर नजर आ रही थी नेटफ्लिक्स के शो बॉलीवुड वाइव्स वर्सेस फैबुलस लाइफ में, जिसके फर्स्ट एपिसोड में रणबीर कपूर नजर आ रहे हैं जो अपनी बहन के बारे में कहते हैं, क्या रिधिमा एक रियलिटी शो कर रही है, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता था और इसको लेकर मेरी फीलिंग भी बहुत मिक्स्ड है क्योंकि वो पूरी लाइफ में रिधिमा मूवीज को बहुत लुक डाउन करती हुई आई है। रिधिमा अपने डिफेंस में स्टेटमेंट को डिनाई कर देती है। वहीं वो रिधिमा का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, यह चिंता करने वाला क्या है क्योंकि शी इज मूवफट, शी हैज नो फिल्टर्स, रिधिमा तो पक्का पूरा मैसअप कर देगी, शी इज छुपा रुस्तम, इसकी पोलाइटनेस और फेक एसेंट पर तो बिल्कुल मत जाना। वहीं वो अपनी बहन को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि अगर वोटिंग लाइंस हुई तो मैं हमेशा यही चाहूंगा कि मेरी बहन जीते। वही रिधिमा इस शो में डेलियाइट बनकर आई है जो अगेंस्ट होंगी बॉलीवुड वाइफ्स के, जिसमें नजर आने वाली है नीलम कोठारी, भावना पांडे, महीप कपूर एंड सीमा सजदे। ये शो 18 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हो चुका है। द
दीपिका को बीट करके मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन बनी ये एक्ट्रेस। साइंस के अकॉर्डिंग मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन की लिस्ट आ चुकी है। ये लिस्ट बेस्ड है गोल्डन रेशियो के ऊपर, जो कि एक एशियन ग्रीक कॉन्सेप्ट है, जिसे डॉक्टर जूलियन ने एक फेशियल हारमोनी मेजर करके बनाया है। चलिए फिर जानते हैं कौन है ये मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन। सबसे पहले नंबर पर नाम आता है ब्रिटिश एक्ट्रेस जॉडी कोमर का, जिनकी मैपिंग के अकॉर्डिंग उन्हें मिले हैं 94.52%। वहीं सेकंड नंबर पर आती है जेंडिया, जिनका गोल्डन स्कोर है 94.37%। थर्ड नंबर पर है बेला हदीद, जिनका गोल्डन स्कोर है 94.35%। फोर्थ पर है बियॉन्से, जिनका गोल्डन रेशियो स्कोर है 92.44%। फिफ्थ नंबर पर है एरियाना ग्रांडे, जिनका गोल्डन स्कोर है 91.81%। सिक्स्थ नंबर पर है टेलर स्विफ्ट, जिनका गोल्डन स्कोर है 91.64%। सेवेंथ नंबर पर है जॉर्डन डन, जिनका गोल्डन स्कोर है 91.39%। एट्थ नंबर पर है किम कार्डशियन, जिनका गोल्डन स्कोर है 91.28%। नाइन्थ नंबर पर है दीपिका पादुकोण, जिनका गोल्डन स्कोर है 91.22%। और टेंथ नंबर पर इस लिस्ट में आती है हो योंग जंग, जिनका गोल्डन स्कोर है 89.63%। आपको क्या लगता है इस मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन लिस्ट में और किसका नाम ऐड होना चाहिए? कब होने वाली है सनी देओल की मूवी रिलीज? गदर 2 की ह्यूज सक्सेस के बाद सनी देओल की अपकमिंग मूवी जट इस रिपब्लिक डे पर रिलीज होने वाली है। वही खबर आ रही थी कि रिपब्लिक डे पर सनी देओल की मूवी लाहौर 1947 रिलीज होगी, लेकिन इस मूवी को डिले कर दिया गया है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार संतोषी एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं आमिर खान। वही बात करें मूवी जट के बारे में, तो ये मूवी डायरेक्ट करने वाले हैं गोपी चंद। ये मूवी बेस्ड है इंटेंस एक्शन, डीप इमोशन, स्ट्रॉन्ग पेट्रियोटिक फ्लेवर के साथ। ये मूवी एकदम परफेक्ट है रिपब्लिक डे के लिए। वही बात करें सनी देओल की अपकमिंग मूवीज के बारे में, तो फिलहाल सनी देओल गोपी चंद के साथ अपनी अपकमिंग मूवी SDGM की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ नजर आएंगी शाइमी खेर एंड रणदीप हुड्डा। साथ ही सनी देओल बॉर्डर 2 में भी नजर आने वाले हैं। इस तरीके से सलमान खान की सिक्योरिटी को बढ़ाया गया। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से लगातार सलमान खान को डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे। वही अचानक से बाबा सिद्दीकी की सडन डेथ के बाद ये थ्रेट्स और बढ़ने लगे, जिसकी वजह से सलमान खान की सिक्योरिटी को और भी टाइट कर दिया गया। वही सलमान खान को Y प्लस सिक्योरिटी दी गई है, साथ ही उनकी पर्सनल सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है। वही उनके लिए दुबई से बुलेट प्रूफ SUV इम्पोर्ट कराई गई है, जो कि इंडियन मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। वही मुंबई ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन नंबर के व्हाट्सएप पर एक थ्रेट आया था, जिसमें कहा गया था अगर सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई से अपनी दुश्मनी खत्म करनी है तो उन्हें हमें 5 करोड़ देने होंगे, और अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो वो तैयार हो जाए अपनी मौत के लिए, जो बाबा सिद्दीकी से भी ज्यादा भयानक होने वाली है। जिसके बाद सलमान खान की सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया गया। उनकी गैलेक्सी अपार्टमेंट में 8 से 10 आर्म्ड फोर्स एक्स्ट्रा लगा दिए गए। वही वर्क कमिटमेंट की वजह से सलमान खान अभी अपनी अपकमिंग मूवी सिकंदर की शूटिंग में व्यस्त हैं। साथ ही वो बिग बॉस 18 को भी होस्ट कर रहे हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।